तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं श्री लेदर और वहाँ से हम करेंगे बहुत ज़्यादा शॉपिंग। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि शोरूम के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है आम बजट के लिहाजा। ये बहुत अच्छी शॉप पड़ती है और यहीं से मैं जहाँ तक शॉपिंग करता हूँ शूज़ से रिलेटेड। तो बाकी आगे चलते हैं, आगे मैं आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. इतनी भी आ रही है यार, फ्री के लिए जाऊंगी क्योंकि ना इसका प्राइस बता दीजिए। कंफर्ट होती है एकदम, देखो जो उसमें भी कितनी प्यारी लगती है और इतनी तो कंफर्टेबल हो जाती है। पैर भी मुड़ेगा नहीं। ये परफेक्ट लगा लेकिन इसके देखिए क्या लिखा हुआ है
50 वो भी तुम्हें ये एक बैग मिलेगा। कनाट प्लेस में ना आपको ये मार्केट देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आपको 250-300 और उसके ऊपर भी रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग रेंज यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो ये पटरी मार्केट है, बाकी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अभी इस टाइम जैकेट का सीज़न चल रहा है तो जैकेट्स मिल जाएंगी, लेडीज़ वेयर में कुर्ती मिल जाएंगी गर्म वाली, और शर्ट मिल जाएंगी जो वुलन वाली आ रही है, और बाकी पैंट मिल जाएगी, और हाफ़ जो जैकेट होती है नेहरू टाइप वाली वो भी मिल जाएगी आपको वुलन में। तो काफ़ी अच्छा ही चीज़ है यहाँ पे। आप आओ ना खादी के बराबर में, ये खादी का स्टोर है और उसके बराबर में आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। सामने आपको देखने को मिल जाएगा PVR मूवीज़ के लिए, जिन्हें मूवी देखने आप वहाँ पे आके मूवी भी देख सकते हो। दोस्तों श्री लेदर से हमने करी है बहुत ज़्यादा शॉपिंग इस बार, ये देख रहे हो। तो बाकी और चीज़ें ना मैं आपको घर जाकर ही दिखाऊँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ली है पीछे श्री लेदर की, जो आप शोरूम देख सकते हो। क्या के लिए मैं बताऊंगी। हाँ ये बताइए। फेवरेट पर्स है, बहुत फेवरेट, मेरा फेवरेट पर्स। बाकी आप यहाँ पर आ सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, एंड आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप भी ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं ITO पर, और यहाँ पे ना हम हमेशा की तरह खाना खाते ही हैं। तो बाकी रोड साइड का जो व्यू है बहुत ही प्रीटी लगता है मुझे, तो हम यहाँ पर ना खाना खा के जाते हैं। तो अभी हमने ऑर्डर किया यहाँ से दाल मखनी, रोटी और राइस, बाकी वो आने वाले हैं और मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। हमारे पास सैलेड भी है, और इनका ना सबसे अच्छा मीन इनका मसाला लगता है, बड़ा लाजवाब रहता है मसाला, ये देखो। बाकी दो प्लेटें आ गई हैं, ये मसाला है और नींबू है इसके अंदर, अभी हम करते हैं इसको भी फिनिश। तो यहाँ का ना पहले जो जो मसाला है ना, सब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। सबसे अच्छी बात है ना अनलिमिटेड यहाँ पे सैलेड ले सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है। देखिए दाल मखनी आ गई है, इसमें से ना धुआं सा निकल रहा है, भाप से निकल रही है, बिल्कुल गरम गरम दाल मखनी हमारी आ चुकी है यहाँ पर। व्यू देखिए यार, व्यू कितना प्यारा आ रहा है ना, क्या कह रहे हो। तो दोस्तों हमारी आ गई है यहाँ पे मक्के की रोटी, एक ये रही रोटी, कुछ पतली नहीं है, मैं मोटी बनाती हूँ, मिलावट है कह रही है, इसमें मिलावट है। बाकी आ गई है, बाकी बिस्मिल्लाह करते हैं हम। तो भाई हमें देख के ना ये भी आ गया हमें खाना खाने के लिए, अब इसके लिए बिस्किट से मैंने यहाँ बिस्किट डाल दिए, थोड़े से रह गए, पहले फिनिश कर लेना उसके बाद डालूंगा। ओए कालू ले। दोस्तों ये रहा वो सामान जो हमने अभी श्री लेदर से खरीदा था, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें थी। तो ये दोस्तों ये बैग लिया हमने श्री लेदर से,